Students, today we will discuss the vector. Already we have discussed two classes. In that two classes we will discuss some of the definition part of this vector. Now we will discuss some questions regarding exercise 10.1 and 10.2. Suppose the question is like that. आपको एक question जो आपकी book का है वो इस तरह से मिलता है. Suppose करो एक question जो आपको दिया गया है, that is the displacement of 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. क्वेश्चन क्या दिया गया आपको? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, राइट? और कितने डिग्री एंगल पे? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. सपोज दिस क्वेश्चन इज गिवन और कह रहा है रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली. तो सबसे पहले एटलीस्ट फर्स्ट यू मेक ए एरो नोटेशन. नोटेशन ऑल यू आर अवेयर अबाउट इट, दैट इज नॉर्थ, दैट इज साउथ, दैट इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. नाउ द क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, राइट? कितना? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मीनिंग साउथ के ईस्ट में 30 डिग्री. साउथ कहाँ है? साउथ इज देयर. साउथ का ईस्ट किधर है? लाइक दिस. तो 30 डिग्री साउथ से ईस्ट की तरफ, राइट? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, इट मींस साउथ ईस्ट ऑफ साउथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाई लाइक दैट. कितना डिग्री? 30 डिग्री. आप 30 डिग्री का एंगल शो करेंगे. कितना डिस्प्लेसमेंट आपने कहा? 40 किलोमीटर साउथ ऑफ ईस्ट, मीनिंग साउथ के ईस्ट में. ईस्ट ऑफ साउथ का मीनिंग क्या हुआ? साउथ के ईस्ट में. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ये डायरेक्शन नोटेशन क्लियर होना चाहिए. अगर इसी क्वेश्चन में आपके पास ये मैट्रिक्स तरीके से दिया जाता कि यहां पर इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता, सेम कहा जाता 10 किलोमीटर 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं वापस, क्वेश्चन नंबर टू. कह रहे हैं 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट? एंड 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तब कैसे रिप्रेजेंट करते? तो आपको रिप्रेजेंट सेम मैनर में आपको ज्योमेट्रिकली डायरेक्शन शो करनी है. दैट इज नॉर्थ, दैट इज साउथ, ईस्ट, वेस्ट. 10 किलोमीटर इज डिस्प्लेसमेंट, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के वेस्ट में, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चलना है आपको. कितना? 45 डिग्री. एग्जैक्ट मिड ले लो, दैट इज 45 डिग्री. डिस्प्ले 45 किलोमीटर तो क्या हो गया? 10 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट और एंगल कितना बना रहे हो? 45 डिग्री. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट स्टूडेंट यू शुड नो अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट ऑन ए पर्टिकुलर एंगल टुवर्ड्स डायरेक्शन, हाउ इट विल बी रिप्रेजेंट इन ए वेक्टर. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर टू. सम ऑफ द डेफिनेशन आई हैव एक्सप्रेस इन माई लास्ट वीडियो, लाइक जीरो वैक्टर, को इनिशियल वैक्टर, को लीनियर वैक्टर, इक्वल वैक्टर एंड यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर हमने कहा था वेक्टर दैट्स मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू द वन इन द डायरेक्शन एंड एज वेल एज मैग्नीट्यूड. तो यूनिट वेक्टर, अगर कोई वेक्टर आपको दिया गया है, सपोज द वेक्टर ए इज गिवन लाइक दैट. ये मैंने अपने एक वेक्टर लिखा दैट इज लाइक दैट, ए वेक्टर विच इज इक्वल टू द आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. अब हमने क्या कहा? इसका यूनिट वेक्टर, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर. क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन क्या जनरेट होता है यहाँ पे? फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर. फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर, नंबर वन. क्वेश्चन नंबर टू, दैट इज फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर, फाइंड द
unit vector in the direction of given vector, in the direction of given vector, right? Or agar if there is a more than two vectors are available, in case the language will be changed. Suppose two vectors are given, तो फिर क्या हो जाएगा, या तो सम या सब्ट्रैक्शन, उसकी डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर आपसे पूछा जा सकता है। चलो पहले इन दोनों क्वेश्चंस में हम वर्क कर लेते हैं। लेट्स कम टू डू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर। तो मैंने आपको कहा यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड बाय, अगर वेक्टर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर डिफाइंड होगा नोटेशन ए कैप। किससे डिफाइन करोगे, ए कैप। और वाई, हाउ वी विल कैलकुलेट द ए कैप, नाउ ए कैप इज कैलकुलेट बाई वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। स्टूडेंट्स इसको हमें कैलकुलेट करना है, देर आर टू टर्म्स, वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर इज गिवन इन द क्वेश्चन, नाउ वी विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हाउ इट विल कैलकुलेट, इफ ए वेक्टर इज गिवन विच इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। नाउ व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, विच इज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन लास्ट वीडियो, कॉफिशियंट ऑफ आई कैप कितना है 1, कॉफिशियंट ऑफ जे कैप कितना है 1, कॉफिशियंट ऑफ के कैप कितना है 1, तो इनके स्क्वायर्स का सम, दैट इज द मैग्नीट्यूड। Now it is represented by root 3. This is the magnitude. Now come on unit vector. Now unit vector kya hua? Vector that is I cap plus J cap plus K cap divided by magnitude of its vector. Now it will return like that. आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 upon root 3 J cap प्लस 1 अपॉन रूट 3 के कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर डायरेक्टली इफ इट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन देन यू विल सॉल्व लाइक दैट, बट व्हेन एवर इट इज रिटन इन द लैंग्वेज लाइक दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, हाउ वी विल कैलकुलेट बाय द मेथड ऑफ दिस। Understood this? Now take another example. Suppose there are two vectors are given. Now how we will calculate the unit vector in the direction of a given vector? Suppose a vector is given this and another b vector is given minus of 2i cap plus of 3j cap plus of 4k cap, like that. अब क्वेश्चन क्या कहा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन की जगह क्या कर देगा, गिवन देयर आर टू वेक्टर्स, तो फिर टू वेक्टर्स पे गिवन किसके लिए, तो इन दोनों को क्लब करेगा और कहेगा डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, सम ऑफ वेक्टर्स, सम ऑफ कौन, गिवन वेक्टर्स, सम ऑफ गिवन वेक्टर्स। तो सम ऑफ गिवन वेक्टर्स मीनिंग हमें पहले इन दो वेक्टर्स का क्या करना है, ऐड करना है। नाउ ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, नाउ द सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विच इज डिस्क्राइब्ड आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर प्लस माइनस ऑफ टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। गाइस ऐड बोथ ऑफ देम, ऐड करेंगे एडिशन का वे क्या करना है, दिस विल एडिड विद दिस, दिस विल एडिड विद दिस एंड दिस विल एडिड विद दिस। नाउ द न्यू वेक्टर दैट इज माइनस ऑफ आई कैप दैट इज फोर जे कैप प्लस k cap 4 k cap 5 k cap, this is the a vector plus b vector।
फॉर सिंप्लीफिकेशन लेट द सम ऑफ दिस फैक्टर इज डिनोटेड बाय सी वेक्टर. ये लेट कर लिया आपने, ध्यान रखना. द सम ऑफ दिस टू वेक्टर विच इज डिनोटेड बाय सी वेक्टर एंड विच इज इक्वलेंट टू द माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप. अब हमें क्या कहा गया, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द गिवन वेक्टर. तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, वी जस्ट कैलकुलेट द सी कैप. नाउ बाय द फॉर्मूला सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर. सी वेक्टर क्या है, माइनस ऑफ आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाई. तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें. नाउ फ्रॉम देयर वी विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर माइनस वन होल स्क्वायर कॉफिशियंट ऑफ आई कैप प्लस कॉफिशियंट ऑफ जे कैप प्लस कॉफिशियंट ऑफ के कैप विच इज इक्वल टू 116.25. कितना हो गया, रूट 42. एनीथिंग राइट. नाउ दिस विल टेकन हेयर रूट 42 एंड इट इज रिटर्न माइनस वन अपॉन रूट 42 आई कैप प्लस 4 अपॉन रूट 42 जे कैप प्लस 5 अपॉन रूट 42 के कैप. दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ गिवन वेक्टर. Whenever the question of like that, then you will solve in a proper manner. Third kind of this unit vector we will solve here. Third kind में क्या कहता है कि इसका magnitude, its magnitude of 7 units. Suppose the question is, ये question हमें दिया गया है, there are two unit vector. Find out the unit vector in the direction of sum of the given vector. And its magnitude is 7 units. Same question is there. अब हमें क्या कहा गया है कि अब question में एक step और raise कर दी, its magnitude is 7 units. क्या कहा गया कि इसका जो magnitude है वो कितना है, 7 units है. तो आपको unit vector calculate करें in the direction of sum of a given vector. तो जब आपको magnitude दिया गया हो तो क्या करेंगे आप, उस magnitude को यहाँ 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 ऑल थ्री पोजिशंस यू जस्ट मल्टीप्लाइड एंड दिस विल रिटर्न वेन एवर द मैग्नीट्यूड इज इंडिकेटेड इन द क्वेश्चन दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई विद द यूनिट वेक्टर. तो कितना हो जाएगा लाइक दैट. के कैप. तो गाइस आई थिंक types are three in which we will describe unit vector in the direction of a given vector. तो वो जो last formula हमने describe किया, by that you can solve the question properly. Second question हमने कहा unit vector in the direction of sum of given vector. तो अभी आपने ये calculate किया. Third question हम कह रहे हैं unit vector in the direction of sum of given vector when its magnitude is 7 unit. तो हमें क्या करना है, लास्ट में 7 से प्रोडक्ट कर देना. एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड, एग्जैक्टली. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट. अब हमें ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को सॉल्व करना है. थोड़ा सा आपको मैंने कहा था कि अगर आपके पास में थ्री साइड ऑफ ए ट्राइंगल इफ इट इज नोटेड बाय ए वेक्टर नोटेशन then how it will be defined. Suppose this is the vector A which is given this, this is the vector B which is given this, right? तो मैंने आपको एक कहा, suppose there is a notation A, there is notation, या geometry को एक बार हम properly बना लें. Suppose this is OA, ए वेक्टर. वेक्टर इट्स इनिशियल पॉइंट, इट्स टर्मिनल पॉइंट. अनदर वेक्टर दैट विल बी जॉइन विद द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ इट्स वेक्टर. सो नाउ दिस इज द ए बी वेक्टर, राइट.
तो ए बी वेक्टर का ये इनिशियल हो गया, इसका टर्मिनल, अगेन इसका टर्मिनल, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी, और कह सकते हैं डायगनल ऑफ दिस वेक्टर, डायगनल ऑफ दिस ट्रायंगल विच इज रिप्रेजेंटेड बाई थर्ड साइड ओ बी वेक्टर। तो हमने कहा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था अपने पास, किसी ट्रायंगल की अगर सेम ऑर्डर में आप साइड्स का सम लिखेंगे दैट इज इक्वलेंट टू द जीरो वेक्टर। तो सेम ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या आ गया, ओ ए वैक्टर, ये डायरेक्शन कंसिडर कर ली, सेम डायरेक्शन ए बी वैक्टर, सेम डायरेक्शन मीनिंग बी ओ वैक्टर दैट इज इक्वलेंट टू द जीरो वैक्टर। अब स्टूडेंट्स, मैंने नेगेटिव वेक्टर में आपको डिस्क्राइब कहा था कि अगर इस वेक्टर को आप ओ बी वेक्टर कहते हो इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट में अगर इसी को लिखना चाहोगे इस डायरेक्शन में, तो आप लिखोगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी वेक्टर, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी ओ वेक्टर, बोथ ऑफ देम आर सेम, मीनिंग ओ बी वेक्टर इक्वल माइनस ऑफ बी ओ वैक्टर, बोथ ऑफ देम आर सेम, दिस इंडिकेट द डायरेक्शन विच इज ऑफ दिस वैक्टर इज टू बी नेगेटिव, बिकॉज द मैग्नेट्यूड ऑफ बोथ द वैक्टर्स आर सेम बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, सो इट इज नोन एज नेगेटिव वैक्टर। नाउ ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर माइनस, क्या लिखूंगा इसको, ओ बी वैक्टर, अभी आपको कहा पी ओ वैक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ बी वैक्टर, नाउ ए बी वैक्टर इक्वल ओ बी वैक्टर, इसको यहां ले लिया और इसको भी माइनस ऑफ ओ ए वैक्टर। तो ये आपने डिफाइन कर दिया, दिस इज द ए बी वैक्टर, दिस इज बी वैक्टर, तो नाउ ए बी वैक्टर क्या आ गया आपका, बी वैक्टर माइनस ऑफ ए वैक्टर। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप किसी भी वेक्टर को, किसी भी साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन एवर टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन। तो ये आपने थर्ड साइड कैलकुलेट कर ली, राइट है। अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं, सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 4, 1, और किसी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो है आपके पास 1, 3, 2। सपोज देर आर पॉइंट्स ऑफ, देर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स एंड देयर कोऑर्डिनेट इज गिवन, तो वी विल जॉइन देम इन कार्टेशियन प्लेन विद द ओरिजिन, राइट। इसको जॉइन कर दिया, इसको भी आपने जॉइन कर दिया, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, अगेन एक्स एक्सिस, राइट। अब हमें क्या करना है, हम कह रहे हैं दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, क्लियर है सबके माइंड में। हमें निकालना है ए बी वेक्टर, क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। अब हम कह रहे हैं ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, और ये हो गई आपकी अपोजिट डायरेक्शन, राइट है। तो सबसे पहले आपको मैंने कहा पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, किसी पॉइंट का पोजिशन वैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो कैसे डिस्क्राइब होता है। इफ ए पॉइंट ए इज गिवन, हम बात कर रहे हैं पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो कैसे निकलेगा, आपको क्या करना, डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, ओ ए वैक्टर को अगर हम कैलकुलेट करें और इसके पोजीशन वेक्टर को सपोज आप ए वेक्टर से डिनोट करते हो, तो अगर ओरिजिन के साथ डिस्टेंस निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0, 0। नाउ द डिस्टेंस विच इज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, नाउ विच इज रोटेटेड बाई ए वेक्टर, राइट। अब आपको क्या बात करना, अगर ये पॉइंट कोई भी होता, एनी वन पॉइंट दिस इज टू बी देयर, बट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज एक्स वाई जेड, देन दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ओ
पी या जो भी पॉइंट आप कहते हो ओ ए वैक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर वैक्टर, दैट इज इक्वलन टू द क्या कहा मैंने, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते इन केस इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर वैक्टर विच इज डिनोटेड बाई एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दैट इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ दिस इज पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ओ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने इसका पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब कर दिया, सेम ओ से बी की भी अगर हम बात करें कि पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन दैट इज अगेन लेट कर लिया बी वेक्टर एंड विच इज डिनोटेड बाय आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, अंडरस्टूड दिस। नाउ OA we have, OB we have by the triangle law vector addition we can calculate AB vector, right? So AB vector कितना आएगा? Already we have calculated there AB vector meaning OB vector minus of OA vector. So by the definition, if we solve it, अगर आप इसको solve करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? Difference आ जाएगा, वो difference आप calculate कर लें। तो difference क्या आ गया देखो, AB vector equal OB vector. OB vector is the B वेक्टर माइनस ऑफ A वेक्टर, B वेक्टर कितना है I प्लस 3J प्लस 2K, राइट, माइनस ऑफ A वेक्टर, A वेक्टर क्या है 2I प्लस 4J प्लस K, सबट्रैक्ट कर लें इनको, सबट्रैक्ट कर लो कितना आ गया देखो माइनस ऑफ I कैप माइनस ऑफ J कैप और प्लस ऑफ A कैप, दिस इज द ए बी वैक्टर, राइट। अब क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे कहा जाता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वैक्टर। उससे भी पहले हम दो चीज और डिस्कस कर लें डायरेक्शन रेशियो से पहले। अब ये जो फॉर्म है आपकी, दिस फॉर्म इज नोन एज कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वैक्टर, इस फॉर्म को क्या बोलोगे, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। इस कंपोनेंट फॉर्म में देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, इस फॉर्म को तो क्या बोलोगे आप, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। इन द कंपोनेंट फॉर्म देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, इस कंपोनेंट फॉर्म में टू टाइप्स के कंपोनेंट है, वन इज स्केलर कंपोनेंट वन इज वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट कौन है, ओनली कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, जबकि वेक्टर कंपोनेंट कौन है, माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ के कैप, दीज आर द वेक्टर कंपोनेंट दीज आर द स्केलर कंपोनेंट, राइट। अब हम कह रहे थे अगले पार्ट में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, देर आर टू थिंग्स डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो हम सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो की बात करें, तो डायरेक्शन रेशियो मैंने आपको कहा जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, सपोज ए बी वेक्टर आपको कहा गया तो इसका अगर डी आर निकालना आपको तो क्या करेंगे, पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दैट इज -1, -1, 1, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर, राइट। अगर आपको कहा जाता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ ए वेक्टर डी आर ऑफ, ये तो थे ए बी वेक्टर के, आप बोल रहे हैं ओ ए वेक्टर के, ओ ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, अगर आपने ओ ए वेक्टर का वेक्टर रिप्रेजेंट किया था आपने कि ओ ए वैक्टर क्या था, दैट इज 2i प्लस 4j प्लस k कैप, तो इसका डी आर क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ ए वैक्टर इक्वल टू 4:1, राइट। अब हम कह रहे बात डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो सबको क्लियर है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, जिस वेक्टर की बात कर रहे हो उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। नाउ कम ऑन डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन की अगर हम बात करें
डायरेक्शन कोसाइन, और इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं डीसीज। डीसीज क्या होते हैं? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एम एन, राइट। एल क्या होता है? रिप्रेजेंटेड बाय कॉस अल्फा, रिप्रेजेंटेड बाय कॉस बीटा, रिप्रेजेंटेड बाय कॉस गामा। और अल्फा बीटा गामा क्या थे? वो ऑलरेडी आपको वीडियो में प्रेजेंट किया हुआ है कि जो वेक्टर, कोई वेक्टर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, आपने कहा पी इज द पॉइंट एंड जॉइन इट विद द ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, ये हो गया। और हमने कहा दिस इज आर वेक्टर, और वेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई जेड इज द पॉइंट पी इज कोऑर्डिनेट। नाउ इसका पोजिशन वैक्टर क्या हुआ? आर वैक्टर। इस वैक्टर ने एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, इसके साथ जो बनाया दैट इज अल्फा, इसके साथ बनाया दैट इज बीटा, और इसके साथ ही पॉजिटिव है, जेड का पॉजिटिव यही है, इट मेक्स दैट इज गामा। दीज आर द डायरेक्टेड एंगल, और इन डायरेक्टेड एंगल्स का अगर आप कॉस ले लेते हैं देन इट इज डिफाइंड बाई डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, रिप्रेजेंटेड बाय कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, राइट है। तो हम अगर इसको डिस्क्राइब करें तो कॉस अल्फा क्या आएगा? एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। एक्स कौन है? अगर हम ओपी वेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं तो ओपी वेक्टर कौन है? एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन की अगर हम बात करें तो क्या हुई, तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि कॉस बीटा क्या कैलकुलेट होगा? वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। एंड कॉस गामा क्या कैलकुलेट होगा? जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। एक्स वाई जेड कौन है? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट। और मैग्नीट्यूड ऑफ आर कौन है? इस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने डायरेक्शन कोसाइन जब आपको डिफाइन करने हैं तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट वी शुड रिक्वायर एंड द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड वी शुड रिक्वायर इंडिविजुअली, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, सेम एज वाई, सेम एज जेड। दिस इज नोन एज कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, एंड इट इज नोन एज एल एम एन, दे आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। सो सपोज द क्वेश्चन इज देयर कि अभी हमने क्या कहा, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको अभी दे दिए गए, दिस इज ओरिजिन एक्स वाई जेड, और एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिए गए हैं 2, 3, 4, राइट। अब आप क्या करोगे? इसको ज्वाइन कर दो, क्लियर हो गया। बोलता है ओपी वेक्टर इट्स डी आर, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी वेक्टर क्या होगा? 2, 3, 4, सेम एज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। एंड डायरेक्शन कोसाइन, तो इससे पहले ओपी वेक्टर को डिस्क्राइब कर लो, 2i 3j 4k, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल लो। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्शन कोसाइन में इसकी रिक्वायरमेंट आएगी। कितना हो गया? इसको अगर सॉल्व कर लेते हो तो देन इट विल, वी आर गेटिंग 4 + 9 + 16, और कह सकते हैं √29, ठीक है। अब हमें कह रहा है डी सीज ऑफ ओपी वेक्टर विच इज इक्वलेंट टू द, क्या लिखोगे? 2 / √29, 3 / √29, 4 / √29, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स सबको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें सबसे पहले किन किन कंटेंट पे, जो भी वीडियो लेक्चर्स हम दे रहे हैं आप प्रॉपरली उसको देखें, नोट्स को राइट करें, और जो हम यहाँ वर्क करने के बाद आपको होमवर्क दे रहे हैं, अभी आपको 10.1
or 10.2, there are two exercises which are you are able to solve now because related material we have already given in our one video. Understood all? So students, homework regarding this video, you just start exercise 10.1, 10.2, solve. Thereafter, if you have any query, now take an image and send in the text message. In text message you can write there, or you can send the image on Scholar ERP app. Then in next video we will try to solve this problem. Again I will announce, this homework should be maintained in your copy. Your notebook should be evaluated after 15 days. Your parents should be submit, and they will provide these copies as in our school with a certain interval of time, which should be announced when this class will be submitted homework copies on this date. So students, again I will say, homework of these matter 10.1, 10.2, you just start in your copy and solve properly. Thank you very much.